हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने साड़ियों का कलेक्शन। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी साड़ियों के कुछ कलेक्शन थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा पार्ट वन के नाम से। और ये मैंने इसका पार्ट टू बनाया हुआ है, दो तीन साड़ी मेरे पास और हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं, मेरे पास बहुत थोड़ी साड़ियाँ हैं, तो मैंने आप सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको कोई साड़ी उसमें से पसंद आती है तो आप उसे ऑनलाइन जा करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी पहली साड़ी के साथ। ये वाइट कलर की है साड़ी, जो कि मैंने वस्त्र क्वीन करके वेबसाइट है वस्त्र क्वीन, उससे लिया हुआ था। लेकिन ये साड़ी जो है आपको और भी कई वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत है ये वाली साड़ी, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पहनने पर बहुत प्यारी लगती है। इसके थ्रेड वर्क है और साथ में ये पर्ल लगे हुए हैं, ये चिपकाया नहीं गया हुआ, ये इसमें टक किया गया है पीछे से पिन के साथ। बहुत ही प्यारी है ये साड़ी। ये लगभग मुझे 1600 यानी कि 1600 की मिली थी। इस समय कुछ इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। ये आपको मिल जाएगा मीशो पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, आप जहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने बस अब क्वीन वेबसाइट से लिया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आंचल पे इसके पूरा भरा हुआ वर्क है। ये इसका लेस लगा हुआ है, गोल्डन सीक्वेंस है और वाइट वर्क से इसकी लेस है जो कि चारों तरफ है। और ये थ्रेड वर्क और पर्ल टक किया हुआ वर्क पूरी साड़ी में है। ये इसका आंचल है। ये पहनने पे बहुत ही प्यारी लगती है। आंचल में पूरा ऐसे भरा हुआ वर्क है। जहाँ से स्कर्ट एरिया शुरू होता है वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ थोड़ा प्लेन फैब्रिक मिल जाता है और नीचे की तरफ इससे वर्क मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये थोड़ा प्लेन वर्क है टक करने के लिए और ये नीचे पूरी हैवी वर्क है थ्रेड से, बहुत ही प्यारी और पर्ल से बनी हुई वर्क है, बहुत खूबसूरत है। ये दीपिका पादुकोण ने इस तरह की साड़ी पहनी हुई हुई है, इसका रेप्लिका है ये। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे, यह साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से आंचल स्टार्ट होता है तो फिर ये आंचल में पूरी भरी हुई है वर्क से, बहुत ही खूबसूरत है और अफोर्डेबल भी है ये। इसे आप ज़रूर से बाय करिए, बहुत ही प्यारी है ये साड़ी। इसके साथ मुझे प्लेन बैंगलोरी सिल्क ये वाली फैब्रिक मिली हुई थी, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे स्टिच करा सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से स्टिच किया है। नेक्स्ट है रेड कलर की प्लेन साड़ी है, ये हल्की गोल्डन इसके जो किनारे हैं बॉर्डर, ये हल्का अलग से लेस नहीं, ये साड़ी में ही है गोल्डन गोल्डन। इसका रेड कलर बहुत प्यारा है और ये लगभग 550 की है ये साड़ी, बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत लाइट वेट है, शिफॉन है, बहुत ही प्यारी है ये साड़ी। ये पूरी प्लेन है, ये साड़ी पूरी प्लेन है और बस ऐसे ही गोल्डन जो आपको लेस की तरह दिख रहा है ये ऊपर और नीचे बॉर्डर में ऐसा ही गोल्डन है। बहुत ही खूबसूरत है ये वाली साड़ी, बहुत ही लाइट वेट, अगर आप साड़ियाँ नहीं भी पहनती हैं तो भी आप आराम से इसे कैरी कर पाएंगी लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत प्यारी है।
लेकिन इसके साथ ये थोड़ा सा इशू हुआ था मेरे साथ कि मुझे ये वाली साड़ी थोड़ी डिफेक्टिव रिसीव हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ी कटी हुई है, मैं इसे एक्सचेंज कर सकती थी बट ये जब इसकी रिटर्न पॉलिसी ओवर हो गई थी तब मैंने ये कटा हुआ देखा, इस वजह से मैं इसे रिटर्न नहीं कर पाई। बट ये फिर भी बहुत प्यारी है, आप इसे लेना चाहें तो वह ट्राई कर सकते हैं। अगर कटी फटी होती हो तो रिटर्न या एक्सचेंज तो हो ही जाती है। बहुत ही प्यारी है ये साड़ी, बहुत लाइट वेट, ये भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत खूबसूरत है ये साड़ी। इसके साथ मुझे इस तरह का फैब्रिक मिला हुआ था जो बनारसी टाइप का है, ये जिसे मैंने इस तरह से स्टिच किया है सिंपल। सिंपल राउंड नेक है, इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने इसमें गोटा लेस लगा दिया हुआ है जिससे थोड़ा सा उसका लुक अच्छा लगे। सिर पे भी मैंने लगा दिया हुआ है। तो इसके ब्लाउज की फैब्रिक भी अच्छी है और साड़ी भी अच्छी है, बस वो थोड़ी कटी हुई है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन जो क्वालिटी वाइज जो इसका है बहुत प्यारा है। आप चाहें तो इस साड़ी को किसी और भी डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको मीशो का ग्रीन कलर का ब्लाउज दिखाया हुआ है, उसके साथ आप चाहें तो इससे मैच करिए। या फिर मैंने आपको दिखाया था पिछले अपने साड़ियों के कलेक्शन में रेड कलर की ब्लाउज थी मेरे साड़ी के साथ, आप चाहें तो अगर रेड के साथ रेड मैच करना चाहें तो आप उसके साथ मैच कर लीजिए, या फिर आप इसे ग्रीन वाले ब्लाउज के साथ मैच करना चाहें तो उसके साथ मैच कर लीजिए। ये बहुत प्यारी लगने वाली है, वरना आप नॉर्मल इस वाली रेड के साथ, ये तो आपको मिलती है, आप इसके साथ पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। ये ग्रीन वाली वो ब्लाउज है, इसके साथ आप इसे मैच करेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। ये मैंने मीशो से लिया हुआ है, इसका भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप डिटेल अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ये लटकन इस ब्लाउज के साथ नहीं मिली थी, ये मैंने अलग से लगाई है। इसमें आप इसके साथ मैच करिए, या फिर मैंने जो रेड वाली ब्लाउज के बारे में बताया, ये रेड वाली ब्लाउज है। अगर आपके पास इस तरह की कोई रेड ब्लाउज है वर्क वाली डिज़ाइनर तो आप उसके साथ भी इसे मैच करेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। नेक्स्ट है मेरे पास एक और साड़ी, ये मैंने मीशो से लिया हुआ था। ये भी बहुत सिंपल साड़ी है, बॉर्डर वाली है, प्लेन साड़ी, सिल्क है ये भी। ये मुझे अंडर 400 की रिसीव हुई है, बहुत ही प्यारी है प्राइस के अकॉर्डिंग। ये गोल्डन कलर का बॉर्डर है इसमें, इस तरह से सिल्क वाली हल्की शाइनिंग वाली फैब्रिक है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इतने कम प्राइस में आपको इस तरह की साड़ियाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इसमें इस तरह के ये जो टैसल्स हैं ये साड़ी के साथ मुझे रिसीव हुए थे अलग से, जिसे इसमें टक करना था, मैंने इसे टक कर लिया है। आंचल में इसके मैंने लगा लिया है। ये पूरी साड़ी प्लेन है और यही बॉर्डर है जो चारों तरफ से, ये बॉर्डर है ऊपर और नीचे दोनों साइड से, पूरी साड़ी इसे प्लेन है। पूरी साड़ी ऐसी प्लेन है और ये बॉर्डर है, ये बहुत प्यारी साड़ी है, इतने कम प्राइस में पहनने पे बहुत प्यारी लगती है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये साड़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए एक बार, अगर आपको पसंद आती है तो कलर इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, जो भी कलर आपको पसंद आता है आप उस कलर में ले सकते हैं। इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये ब्लाउज़ का पीस, ये भी सिल्क में शाइनिंग वाली फैब्रिक है, प्रिंटेड है, डिजिटल प्रिंटेड ब्लाउज आजकल फैशन में है, इसके साथ मुझे यही मिला हुआ है। इसे भी मैंने स्टिच कर लिया है, मेरे पास ये बटन पड़ी हुई थी तो मैंने इसके साथ लगा दिया इसे। आप चाहें इसके साथ पहनना तो आप इस साड़ी को इसके साथ पहनिए, या फिर आप और भी किसी कलर के साथ इसे मैच करके पहनना चाहते हैं तो आप इसके साथ भी पहन सकते हैं। मीशो का ही मैंने ये पिंक कलर का ब्लाउज़ आपको पहले दिखाया हुआ है,
आप चाहें तो इसके साथ मैच करके आप इसे पहनेंगे तो भी ये साड़ी बहुत प्यारी लगने वाली है। इसका कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इसके साथ मैच करके पहनिए या फिर जो इसके साथ आपको ब्लाउज पीस रिसीव होता है इसके साथ पहनिए, दोनों के साथ ये बहुत प्यारी लगने वाली है। अगर आप पिंक वाली ब्लाउज ये लेना चाहते हैं इसके साथ मैच करना चाहते हैं तो आप इसको इसका जो डिटेल रिव्यू है वो आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ये भी मैंने मीशो से लिया हुआ है। इसके साथ ये साड़ी मैच करने पे बहुत प्यारी लगती है। आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.